प्रेम की क्रांति में बीजेपी कांग्रेस साफ, सिक्किम के नतीजों ने चौंकाया। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में मिली बम्पर जीत का जश्न। अभी बीजेपी मना ही रही थी कि पूर्वोत्तर के एक राज्य ने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया। ये राज्य कोई और नहीं बल्कि सिक्किम है, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है और 32 में से 31 सीटें जीतकर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने पूरे विपक्ष को एक सीट पर समेट कर रख दिया है। भगवा में हुआ अरुणाचल, 60 में से 46 सीटों पर बीजेपी का परचम, एक सीट पर सिमटी कांग्रेस। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बंपर जीत हासिल की है। 60 सीटों में से 46 अपने नाम कर ली। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। भगवा पार्टी ने राज्य की 60 सीटों में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी विधानसभा की 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। जेल से नतीजे देखेंगे, अरविंद केजरीवाल कोर्ट ने 5 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से हाल ही में दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत का समय पूरा होने के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। होती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाज को बनाया निशाना, मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। यमन की होती विद्रोहियों ने एक बार फिर लाल सागर में अमेरिका जहाजों को निशाना बनाया है। इसमें से एक लड़ाकू जहाज को भी निशाना बनाया गया है। ईरान समर्थित समूह के सैन्य प्रवक्ता यमहा सारी ने शनिवार को बताया कि यमन के होती विद्रोहियों ने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत, एक अमेरिकी विध्वंसक और 3 अन्य जहाजों को निशाना बनाकर कुल 6 अभियान चलाया है। गुजरात में कितने सीटें जीत रही कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बताया अपना आंकड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद कांग्रेस ने पार्टी की इंटरनल मीटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें जयराम रमेश विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग कर वहां पार्टी की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस मीटिंग में गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और यह 4 से 5 सीटें आराम से जीत जाएगी। पीएम मोदी को तीसरी बार जनता का आशीर्वाद, बीडी शर्मा बोले 4 जून को औंधे मुंह गिरेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 7वें चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल की चर्चा है। एग्जिट पोल के नतीजों से एनडीए गठबंधन गदगद है। एनडीए गठबंधन की प्रमुख सहयोगी बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिलते नहीं नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। लालू प्रसाद आज भी नहीं बदले, गुंडागर्दी के बल पर रामकृपाल यादव पर हुआ हमला तो बरसे सम्राट चौधरी। पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर हुए हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू यादव और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के गुंडों ने रामकृपाल यादव पर हमला किया है, हिंसा के बल पर चुनाव जीतना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजघाट के बाहर सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने से पहले राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली के मंत्री भी थे। वहीं राजघाट के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कर रहे थे। हालांकि सभी को दिल्ली पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह को झटका या सफलता, कांग्रेस को इन 3 सीटों पर जीत की उम्मीद। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर जीत की उम्मीद बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस के बयान से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को झटका लग सकता है। कांग्रेस के मुताबिक 3 सीटों पर संभावित जीत की दौड़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बाहर हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मुकेश नायक से मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों का सवाल पूछा गया। उन्होंने समय गवाए बिना बता दिया कि मंडला, मुरैना और छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जीत मिल सकती है। ईवीएम में कैद हुई 37 प्रत्याशियों की किस्मत, 70.5% हुआ मतदान, अब 4 जून का हो रहा इंतजार। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट पर चुनाव और 6 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। सुबह 7 से शुरू हुई प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चली। लोगों में मतदान के लिए भारी उत्साह नजर आया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में
70.5% मतदान हुआ। इस बार मतदान फीसद कुछ हद तक बढ़ने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग अभी पोस्टल बैलेट से हुए मतदान को भी इसमें सम्मिलित करेगा और यहां मतदान प्रतिशत कुछ हद तक बढ़ेगी।